हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स। इट हैज टू पार्ट्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द नेचुरल फेनोमेनन ऑफ लाइट, एज फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फेनोमेनन, बट इट इज अनदर टॉपिक्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस थ्री आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट द लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन टू सी, सेंसेशन टू सी द ऑब्जेक्ट। सिंपल थिंग्स, विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। द रियल फेनोमेनन ऑफ सीइंग समथिंग, व्हेन ए लाइट फॉल्स एन ऑब्जेक्ट देन इट रिफ्लेक्ट्स एंड इंटर्स टू आवर आई एंड इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, दिस इज द। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है ड्यूअल नेचर, कैसे means particle as well as wave nature और corpuscular theory given by Newton. According to him, a light is just a stream of photons, and photon is the packet of energy. Photon is simply a packet of energy, means light propagate as a packet of energy. This packet has the energy equal to h nu or equal to sc by lambda. This is the, each packet has the energy equal to h nu. Okay, and the another, light is an electromagnetic wave. As you know, it is transverse in nature. Okay, as you learned in chapter electromagnetic waves, and it follows all properties of electromagnetic waves. It has no doubt. Means light is an electromagnetic waves. Okay, simply, and the speed of light, as you know, a speed of light is equal to c equal to under root epsilon naught mu naught in air, 3×10⁸ meter per second in air or vacuum. The highest velocity of light in air or vacuum. The next thing is electric field, magnetic field oscillates perpendicular to each other as well as propagation of light. जिस direction में light propagate कर रहा है उसके परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तो परपेंडिकुलर है ही, ऑसिलेट करता ही है परपेंडिकुलर, उसके अलावा भी जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का उस पे भी वो क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है। ठीक है, और आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ ज्यादा पढ़े होंगे। लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, या लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस के मतलब एक ही मीडियम, एक समान मीडियम, और मीडियम चेंज करेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। द नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल फेनोमेनन ऑफ लाइट। कौन कौन सा है नेचुरल फेनोमेनन ऑफ लाइट का?
The first is reflection. Reflection. Second is refraction. Third is the dispersion. And the fourth is interference of light. Interference. And fifth is diffraction. Sixth is polarization. These three are, and one thing is more, Huygens principle. And this is also, this is the fourth, Huygens principle. Okay, these are may be defined as ray optics and wave optics both. Reflection and refraction is defined by, or derived by, or proved by wave ऑप्टिक्स यानी वेव नेचर से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं और रे नेचर से भी रे ऑप्टिक्स से भी प्रूफ कर सकते हैं. लेकिन ये जो है आपका ये ओनली वेव ऑप्टिक्स है. वेव से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, वेव नेचर से. रे नेचर से इसको हम नहीं प्रूफ कर सकते है ना. एक और फेनोमेनन है जिसका नाम है, ऐसे तो बाद में पढ़िएगा, लेकिन एक और फेनोमेनन जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है केवल और केवल पार्टिकल नेचर से ही प्रूफ कर पाइएगा और नहीं वेव से प्रूफ नहीं होने वाला है. तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये तीन टॉपिक जो है ओनली वेव से डिराइव होगा. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वेव से भी हो सकता है और पार्टिकल से भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, खास करके ये पोलराइजेशन जो है ये प्योरली वेव नेचर, प्योरली एकदम ये आपको पोलराइजेशन केवल और केवल वेव नेचर से ही प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है. तो चलिए ऑप्टिक्स को आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लाइट का फेनोमेना पढ़ते हैं. इसका दो ब्रांच जानते हैं हम लोग. एक तो पहले बोलते हैं रे ऑप्टिक्स जो अभी का टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा हम जानते हैं वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स को हम वेव नेचर से डिफाइन करेंगे तो वो वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा. रे ऑप्टिक्स को ही ज्योमेट्रिकली चलते हैं इसलिए ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए कि जितना भी इसका जो हम लोग डायग्राम वगैरह बनाते हैं या जो भी कुछ इसको डेरिवेशन वगैरह करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, और रे ऑप्टिक्स को ही क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं. नाउ द टॉपिक इज रिफ्लेक्शन. एज यू नो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस सच एज मिरर, सच एज मिरर, देन रिटर्न्स बैक इन सेम मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. दिस इज अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, अ स्मूथ एंड shiny surface, and this is incident ray, this is reflected ray, and this is the normal, this one is the normal, and the angle from normal to incident ray is called angle of incidence. The angle from normal to reflected ray known as angle of reflection, angle of incidence and angle r equal to angle of reflection, and these are measured from normal. And the law is, the first law, incident ray, reflected ray and normal lie on same plane, and angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन. कोई नया चीज है नहीं है, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एक ही प्लेन पे होता है.
लेकिन हो सकता है कि समझने में थोड़ा मिस्टेक हमारा, समझाना काम है, समझाते हैं उस बात को। देखिए ये जो लॉ लिखा हुआ है ये कह क्या रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब जो है एक ही प्लेन पे, कैसे हम कहें कि एक प्लेन पे है, तो थोड़ा इस बात को समझिए। ये हुआ मिरर का प्लेन, ठीक है, ये जो हम ले रहे हैं एक प्लेन मिरर ले रहे हैं और उसको ये तो बोले ही है कि स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होगा। स्मूथ एंड शाइनी सरफेस में मान के चलते हैं कि 10-20% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि मिरर जो है 80-85% या 90%, कोई 99.99% तक भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जनरली 80-85% लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और ये अच्छा मिरर वही होता है जिसका पॉलिशिंग सरफेस होता है ज्यादा अच्छा होता है, वो हम अभी बाद बताएंगे पॉलिशिंग वगैरह। इसमें क्या समझाना है हमको कि ये जो मिरर आप ले रहे हैं, इस मिरर को आप एक प्लेन मान ले, ठीक है, तो जब आप प्लेन मानिएगा मिरर को, तो इस प्लेन की बात नहीं कर रहा है, जो सेम प्लेन लिखा हुआ है इस प्लेन की बात नहीं कर रहा, वह प्लेन जिसमें कि इंसिडेंट रे आ रहा है, मतलब बोर्ड का प्लेन, यहां जो देख रहे हैं आप वो बोर्ड के प्लेन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, लेकिन यह प्लेन जो है अलग है, मतलब जो ये इंसिडेंट रे और ये जो है नॉर्मल जो है मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे हम एक मिरर लिए, ठीक, हम यहां रख रहे हैं एक, हम इसको, ये लेजर लाइट है, ठीक, आप देख रहे होंगे, तो जब हम इस पर हम इंसिडेंट करवाते हैं तो देखिएगा ये बोर्ड के ही प्लेन पर रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, देखिए ये बोर्ड के ही प्लेन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम जिस प्लेन पे इंसिडेंट करा रहे हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो बोर्ड के ही प्लेन, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे तो आपको बोर्ड पे नहीं आएगा, कहीं और चला जाएगा, अगर और आगे बढ़ा देंगे तो देखिए दीवार पे जा रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा दीवार पे जा रहा है, लेकिन जब इस पे हम इंसिडेंट कराते हैं तब ये बोर्ड पे आता है। मतलब अगर इंसिडेंट रे अगर बोर्ड पे रहेगा, इंसिडेंट रे अगर बोर्ड पे होगा तभी ये बोर्ड पे आएगा, मेरे ख्याल समझ रहे, अगर हम इधर से हम इंसिडेंट कराते हैं तब देखिए इधर जाएगा, देख रहे हैं ये इंसिडेंट कर रहा है, अगर हम यहां से इंसिडेंट कराएंगे तब भी बोर्ड पे जाएगा, मतलब ये प्लेन काम कर रहा है। तो कोई भी प्लेन सेम प्लेन की बात करता है तो जिस प्लेन से इंसिडेंट रे आ रहा है उसी प्लेन से रिफ्लेक्टेड रे होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मिरर का प्लेन तो एक है लेकिन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन इनफाइनाइट होगा, जितना इंसिडेंट रे का प्लेन होगा उतना ही प्लेन जो है रिफ्लेक्टेड रे का होगा, अगर हम यहां से इंसिडेंट कराएंगे तो इसका अलग प्लेन, मतलब हर जगह एक प्लेन है, सारा प्लेन है जिस तरह से देखिएगा, तो कोई पूछेगा कि हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉर गिवन प्लेन ऑफ मिरर, तो उसका आंसर होगा कि वो इनफिनाइट नंबर का रखता है, कोई खास नंबर का नहीं रखता है। रिफ्लेक्शन भी टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स, तो फर्स्ट टाइप में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो आप जानते ही हैं, जो आम आप समझते हो, अगर कोई बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है, कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल ही रहेगा, अगर इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल रहेगा, ये स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है, मिरर भी आप कह सकते हैं। तो इसका कोई मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई मिरर आप ले रहे हो, समझिए इस बात को, और ये आप देख रहे होंगे रोशनी यहां हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन है सिर्फ और कुछ नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो ये लाइट यहां से आया, ये रिफ्लेक्ट किया, तो जब रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे जो शेप में रहेगा उसी शेप में रहेगा, इस तरह के, तो ये पैरेलल हुआ है, मतलब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है कि अगर कोई लाइट बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा हो, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, हो सकता है थोड़ा दिखाने के लिए हम सरफेस थोड़ा प्लेन, स्मूथ तो है, स्मूथ भी है और ये प्लेन भी है, लेकिन ये थोड़ा सरफेस इसका इस तरह का है, ठीक, इस तरह का है, लेकिन हम दिखाने के लिए लिए हैं, ऐसा कोई विजिबल होगा नहीं, आप कोई भी स्मूथ सरफेस देखिएगा तो ऐसा ही दिखेगा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा
वो ऑल पॉसिबल वैल्यू में होगा। कहता है कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, पैरेलल नहीं होगा वो भी बोल सकते हैं। व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट की केवल पैरेलल को हम ब्रैकेट में करते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस देन इट रिफ्लेक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका खासियत क्या है, क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो जितने भी मोस्टली ऑब्जेक्ट विच इज सीन बाय अस इज सीन ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अभी जो हम बताए कि अगर कोई प्लेन मिरर आप लेते हो तो प्लेन मिरर से अगर रिफ्लेक्शन से देखना होता तो केवल हम वो चीज देख रहे हैं जो इसके डायरेक्ट पाथ में आएगा। अगर हम किसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो जो इसके डायरेक्ट पाथ में आएगा, जैसे यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा जो लेटर लिखा हुआ है वो हमको दिख जाएगा, लेकिन इसके अलावा सब डार्क होगा। तो होता क्या, अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता तो रूम में तो कहीं सनलाइट आ नहीं रहा है, या डायरेक्ट आता है तो जो आएगा वो दिखेगा, जिस पर नहीं आता वो नहीं दिखता है। तो रूम या घर में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं अगर वो विजिबल है बिना डायरेक्ट सनलाइट के, मतलब वो सनलाइट से नहीं विजिबल है, तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण विजिबल है। जिस सरफेस पर भी लाइट फॉल कर रहा है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जिसके वजह से वो अपीयर हो रहा है, हम लोग को दिख भी रहा है। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि हम लोग उसको सारे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर केवल रिफ्लेक्शन होता, जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता, तो हम उसी ऑब्जेक्ट को केवल देखते जो इसके डायरेक्ट पाथ में आता, तो जो डायरेक्ट पाथ में आता उसको देख लेते, जो डायरेक्ट पाथ में नहीं आता वो नहीं देखते। यानी एक जगह डार्क होता तो एक जगह कंप्लीट ब्राइट होता, या डार्क होता या ब्राइट होता, बीच का कोई उपाय नहीं होता। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं, डार्क ऐसे जनरल लाइफ में नहीं देखते हैं, कहीं डार्क है कहीं ब्राइट है, ऐसा नहीं देखते हैं। देखते हैं इन्फर्मिटी, हाँ, या कंप्लीट डार्क हो जहां किसी भी प्रकार का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तक नहीं पहुंच रहा है तो वह रूम या वह घर आपको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जहां डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पहुंचने का अगर अवेबिलिटी है, चांसेज है, तो वह रूम में लाइट पहुंचता है ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा। बात करते हैं मिरर का। इट इज ए स्मूथ साइनी सरफेस जनरली मेड अप ऑफ ग्लास ग्लास एंड वन साइड इज पॉलिश्ड बाय सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय अ पेंट। पेंट का कलर कुछ भी हो सकता है, जनरली रेड पहले पाया जाता था। तो ये हुआ आपका मिरर। मिरर क्या है, जैसे एक मिरर आपको अभी दिखाए थे वही मिरर फिर दिखा रहे हैं। ये मिरर है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो ये प्लेन मिरर कहलाएगा। अगर कर्व सरफेस होगा तो कर्व कहलाएगा। इसमें देखिए एक तरह का पेंट लगा हुआ है पीछे। ये पेंट का फंक्शन क्या है कि ये जो सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट का जो ये आप चमकीला वाला भाग देख रहे हैं, एक्चुअल में वो ग्लास नहीं है, वो कोई ना कोई मटेरियल है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट होगा या सिल्वर होगा, तो अब तो खैर अल्मोनियम भी रहता है, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी में सिल्वर पाया जाता है। जिसका बहुत अच्छा मिरर होगा तो वो सिल्वर होगा। जैसे बहुत ज्यादा हबल टेलीस्कोप अगर जानते होंगे तो उसमें भी मिरर लगा हुआ है, तो उस सारे ऑब्जेक्ट में 100% सिल्वर किया हुआ होगा कोटिंग। यहाँ भी सिल्वर कोटिंग होता है, इधर से एक हल्का सा लेयर लगाते हैं, और जो सिल्वरी दिख रहा है आपको पोर्शन वो एक्चुअल में बैक साइड का है, ग्लास का वो नहीं है, वो बैक साइड कोटिंग किया हुआ है सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट से,
और सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट चूंकि आयरन से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए पेंट लगाया जाता है। ये भी एक तरह का कोटिंग ही है, कोई ऐसा पेंट नहीं, ये भी एक तरह का कोटिंग है। इसको एक कोट चढ़ा दिया जाता है ताकि वह एटमोस्फेयर से अपना कॉन्टैक्ट ना करे। चलिए ये तो बात हो गया मिरर का। मिरर कितने तरह का होते हैं? तो जनरली हम लोग उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, अगर प्लेन शेप है तो प्लेन मिरर, ठीक है। और एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एक हम बोलेंगे इसको एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह का, इसको और भी कहते हैं कर्व्ड मिरर कहते हैं, कर्व्ड मिरर कहते हैं, ठीक, कर्व्ड मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर में सिंपली इसका जो सिंबल है इस तरह से देते हैं। क्यों ऐसा देते हैं? ये जो दिखा रहे हैं ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, और इसको हम लोग बोलते हैं साइनी सरफेस, साइनी सरफेस। और ये जो है कर्व्ड मिरर होगा, ये एक्चुअल में एक स्फीयर का पार्ट होता है। अगर इसको काट लीजिएगा, कोई हॉलो एक बॉल लीजिए, रबर का हॉलो बॉल जो, और उसको बीच से काट दीजिए, एक सरफेस इस तरह से निकल के आएगा। और उस सरफेस पे अगर अंदर की ओर पॉलिश कीजिएगा, बस ये सरफेस का नाम होता है। ऐसे कोई मिरर को अगर आप कट कर लीजिएगा तो सरफेस का नाम बोल सकते हैं कि जो बाहर की ओर है इसको कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। इस सरफेस का नाम है, जो मिरर का नाम नहीं बता रहा है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। और अंदर में कॉनकेव सरफेस होता है, कॉनकेव सरफेस। इसको थोड़ा याद करने का तरीका है, केव माने गुफा और अंदर में केव है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको कॉनकेव सरफेस कहते हैं और जो बाहर का सरफेस है उसको कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। और नाम जो पड़ता है वो साइनी सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है, कंकेव है कि प्लेन है, उस पे ही नाम पड़ता है। तो साइनी सरफेस प्लेन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लेन मिरर और कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई मिरर को आप कंकेव वाले पार्ट पे इस तरह से आप पॉलिश कर दीजिएगा तो साइनी सरफेस कन्वेक्स वाला पार्ट हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर नाम पड़ गया। और अगर कोई पार्ट को कॉन्वेक्स वाले पार्ट को आप पॉलिश कर दीजिएगा तो साइनी सरफेस कॉनकेव हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉनकेव मिरर, ठीक। मतलब ये जो नाम पड़ता है साइनी सरफेस के कारण, साइनी सरफेस कैसा है वो उसके कारण से नाम पड़ता है। तो यहां साइनी सरफेस एक में कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर, एक में कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। नाम पड़ता है साइनी सरफेस के कारण, जो साइनी सरफेस में होगा वही उसका नेमिंग होगा। जैसे कि एक चीज देखिए, ये क्यों बनाते हैं, ये बनाने का पीछे पर्पस क्या है? ये है प्लेन, लेकिन अब ऐसे हम कर देंगे तो आपको सिर्फ ये एज दिखेगा, ये एज दिखेगा। इसीलिए प्लेन मिरर बनाने के लिए एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं और पॉलिश सरफेस दिखाने के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये शो कर रहा है कि ये पॉलिश सरफेस है और जिसमें वो नहीं किया हुआ है, लाइन नहीं किया हुआ है, तो वो समझिएगा कि साइनी सरफेस है। उसी तरह से किसी भी स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का होता है। देखिए ये जो हम लिए हैं दो तरह का स्फेरिकल मिरर है, ये भी स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर कोई ना कोई एक स्फेयर का पार्ट होगा। तो जब आप देखिएगा, इसको हम दिखाने के लिए ऐसे बताते हैं, जैसे देखिए ये जो है, देखिए ये ऐसे है, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसे करेंगे, ये देखिए ये आपको वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बल्जिंग है बाहर की ओर उठा हुआ है। तो जब ये बाहर की ओर उठा वाले में पॉलिश साइनी सरफेस है तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। और जिसमें ये जो गड्ढा वाला पार्ट में अगर साइनी सरफेस है, यहां देखिएगा हम इस तरह से करेंगे तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा, ये नहीं कर रहा है। तो ये अब इधर से करेंगे तो करेगा, देखिए कर रहा है ना, मतलब इसमें बल्जिंग है। तो बल्जिंग सरफेस पे पॉलिश किया हुआ है और जो गड्ढा वाला पोर्शन है उसमें साइनी सरफेस है। तो साइनी सरफेस अगर है तो जो साइनी सरफेस गड्ढा वाला है तो कनकेव मिरर कहेंगे, अगर साइनी सरफेस जो बाहर की ओर उभार है, बल्ज है, तो उसमें जो साइनी सरफेस होगा उसको कन्वेक्स कहेंगे। एक और तरीका है कि अगर आप मिरर को ऐसे लीजिएगा इस तरह से, तो देखिएगा एक फोकस, एक पॉइंट बनाएगा फोकस, आप लोगों को दिख रहा होगा,
देखिए दिख रहा है, एक शार्प दिख रहा होगा पॉइंट जैसा, चाहे एक इस तरह से एकदम शार्प इमेज बन रहा है। तो अगर ऐसा इमेज बने दीपक का कनकेव होगा, क्योंकि सारा लाइट को वो उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। और फोकल लेंथ का भी यही डिफिनेशन है, अगर हम बोले कि फोकल लेंथ क्या, फोकस क्या है, तो फोकस कहता है पैरेलल लाइट को अगर किसी एक पॉइंट पे लाके वो कन्वर्ज कर दे रहा है तो उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये कन्वर्जिंग मिरर भी नाम है किसको, कनकेव को। कनकेव को कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं, ये देखिए लाइट जो है एकदम शार्प बना दे रहा है, लेकिन अगर वही इस मिरर में देखेंगे तो आपको नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए ये देखिए उतना फोकस नहीं करेगा ये कहीं ना कहीं। तो ये जो ऐसा नहीं फोकस करे तो ये डाइवर्जिंग मिरर हुआ। देखिए इससे बड़ा ही होगा, इसके शेप से बड़ा होगा। तो इस पर जो रे आ रहा है ना वो डाइवर्ज कर दे रहा है, मतलब अगर कोई लाइट यहाँ से आएगा इस पे फॉल करेगा, अगर इस पे कोई कॉन्केव ये कॉन्वेक्स ले रहे हैं तो कोई अगर इधर से लाइट आ रहा है, सपोज दैट पैरेलल लाइट आया इस तरह से, तो ये क्या करेगा, ये इस पॉइंट से डाइवर्ज कर देगा, इस पॉइंट से डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज करेगा तो कहीं पर मिल नहीं रहा, इसलिए इसका नाम पड़ गया डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है। और कॉनकेव मिरर क्या करता है, ये क्या करेगा, अगर कोई पैरेलल लाइट इस पे आएगा तो किसी न किसी पॉइंट पे जा करके ये कन्वर्ज करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया कन्वर्जिंग मिरर। तो प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम थोड़ा एक निगाह में देख लेते हैं। प्लेन मिरर सबसे पहले ये जानिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज इनफिनाइट। ये नहीं कि नहीं होता, इनफिनाइट होता है। और जो मिरर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो ये जो है यहां भी वैलिड करेगा। कैसे करेगा कि 1 by u + 1 by b = 1 by infinity लिख दीजिएगा, 1 by infinity जीरो होता है तो जीरो कर दीजिए, तो 1 by u = -1 by b, और तब इसको आप लिखिएगा u = -3। ये यानी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसी से निकल के आया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये आपका आया। दूसरा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और इसी के कारण इसका अगर मैग्निफिकेशन कोई पूछ ले कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है तो +1 बोलिएगा, मैग्निफिकेशन जो है वो 1 होता है या +1 वर्चुअल बनता है। इसमें इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा इमेज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब इसका इमेज का प्रॉपर्टी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2b, मतलब अगर कोई प्लेन मिरर आप ले रहे हो और कोई ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड से आ रहा है तो ये नहीं कि इमेज इसका जो होगा वह भी v स्पीड से ही आएगा, लेकिन अगर रिलेटिव निकालते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखते हैं, va - vb। और अगर अपोजिट हो जाता है मान ले जाए तो va को आप लिखते हो हम क्या ले रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये आप vi को -v लिखेंगे तो -2b हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में, अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछ देगा तो डबल कर दीजिएगा, डबल तो 2b हो जाएगा। 8 में जो पॉइंट है इसका, इसी प्लेन मिरर का ही, उसमें कहता क्या है कि इफ मिरर इज ट्विस्टेड बाय एन एंगल थीटा देन इमेज टर्न बाय 2θ। बस ये भी रिलेटिव का ही सेंस है कि अगर मिरर को आप थीटा एंगल से ट्विस्ट कर दीजिएगा तो उसका इमेज जो है वो 2θ से टर्न कर जाएगा। ये भी एक है, when two plane mirrors are inclined at
inclined at an angle theta. Then number of more than one images are formed. अगर कोई दो मिरर को कुछ एंगल पे ऐसे रख दीजिएगा, दोनों के बीच का एंगल टिकता रहे, तो एक इमेज नहीं बनता है, बहुत सारा इमेज बनता है। कैसे? देखिए, अगर 360 डिग्री बाई थीटा कैसे निकालिएगा, ये अगर एक नंबर मान लीजिए, तो अगर ये ऑड नंबर आया, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, इमेजेस वो 360 बाई थीटा ही लिखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि थीटा 120 पे आप रख दिए, एंगल कितना पे रखे, 120 पे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू कितना निकला, 3 का 3 क्या है, ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 होगा। लेकिन अगर कब, जब ये ऑड होगा तब, लेकिन अगर इवन आ गया, अगर इवन मतलब 360 बाई थीटा का वैल्यू इवन आ गया, मतलब क्या, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा 360 बाई थीटा जो निकालिएगा उसमें -1 कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल, अगर 360 बाई 90 लिखे तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा 4 - 1 = 3 होगा। तो नंबर ऑफ इमेज इस केस में कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो देखना होगा कि 360 बाई थीटा का वैल्यू क्या होता है। अगर ये 0 हो गया तब, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इससे की क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। अब एक और प्रॉपर्टी है कि द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मिनिमम हाइट कितना होगा, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितना होगा, तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हाफ होगा। इट इज मिनिमम हाइट ऑफ मिरर जो होगा मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब प्रूव कर सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पूरा फुल इमेज देखना है, अगर 6 फीट का कोई ऑब्जेक्ट है उसका फुल इमेज देखना है, तो मिनिमम 3 फीट का होना चाहिए मिरर, नहीं तो उसका फुल इमेज आप नहीं देख सकते हैं। फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम आपको हाफ आधा चाहिए। इसको प्रूफ कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी आवश्यकता हमको यहाँ नहीं है। टर्म सुने होंगे मिरर में जिसका नाम है लैटरल इन्वर्सन। इसके अनुसार कहता है क्या कि राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट। ये मतलब कि लोग समझता है कि एक मिरर ले लिए ऐसे, अगर आप P ऐसे लिखते हैं तो दिखेगा ऐसे, अगर ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये चीज है, और एक एम्बुलेंस भी आप लोग को दिखाता है लोग बना करके कि अगर आप एम्बुलेंस ऐसे लिखते हो, हम उसको करके दिखाते हैं। एक प्लेन बोर्ड है, मेरा यूनिवर्सल प्लेन है, प्लेन बोर्ड है। इस प्लेन बोर्ड में आप देख रहे हैं कि एक एम्बुलेंस लिखे हैं सीधा से और एक एम्बुलेंस लिखे हैं उल्टा करके, ठीक है, जैसे लिखा रहता है व्हीकल वगैरह में, और ये बोलते हैं कि लैटरल इन्वर्सन के लिए। एक्चुअल में लैटरल इन्वर्सन किसका प्रॉपर्टी है, मिरर का या किसी और चीज का, या आपसे हम जवाब उम्मीद करते हैं, सोचिए आप लोग, हम बता देंगे। हम लिखे हैं, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कैसे लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। मिरर में आप देखिएगा तो आपको सीधा दिखेगा, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये चीज आप समझिए, ये उल्टा दिख रहा है, मतलब जनरली होता क्या है
एम्बुलेंस पीछे साथ रहता है और लुकिंग ग्लास से हम उसको देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि वो एम्बुलेंस लिखा हुआ है। तो जनरल कंसेप्ट है कि लेटरल इन्वर्सन प्रॉपर्टी कारण ये ऐसे दिख रहा है। लेकिन हम उसी लेटरल इन्वर्सन को एक और तरीका से हम बताना चाह रहे हैं। अगर हम एम्बुलेंस अगर सीधा लिखे ऐसे, ठीक है, तो एम्बुलेंस सीधा लिखेंगे, लिख दिए हम इस सीट पे, एक सीट लिए हैं उस पे हम एम्बुलेंस लिख दिए, इसका मतलब है कि हमको मिरर में क्या दिखना चाहिए, उल्टा दिखना चाहिए, है ना, क्लियर। अब आते हैं इस मिरर में, हम देखते हैं एम्बुलेंस लिखा हुआ सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है, ठीक है। हम जस्ट क्या किए हैं, इस पन्नी में, इस प्लास्टिक में हम इस मिरर को रख दिए हैं। देखिए प्लास्टिक है, कुछ नहीं, प्लास्टिक से, तो बस हम ये चाह रहे हैं दिखाना कि अब आप, हम नजदीक थोड़ा कर लेते हैं, अब आप इसको, इस इमेज को देखने का प्रयास कीजिए कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है। अब आप समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए हाँ, इमेज तो हमको दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कि नहीं समझ लीजिए पहले, ठीक है। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो घर में आप जो है एक ऐसा सीट ले लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें, प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट ले लीजिएगा, और मिरर को ऐसे रखिएगा, ठीक, मिरर को ऐसे रखिएगा, बस कुछ करना नहीं है, और उस मिरर में आप इमेज देखने का प्रयास कीजिएगा कि इमेज आपको सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, ऐसे करके, इस तरह से। अगर ये मिरर का प्रॉपर्टी होता ऐसे करके, है ना, तो देखिएगा कि एम्बुलेंस आपको एकदम सीधा आपको दिखेगा, जो इमेज उसका है, जैसे ए यहाँ लिखा हो वो भी ए का इमेज ए ही दिख रहा है, एम का इमेज एम ही दिख रहा है, देखिए एम का इमेज भी क्या दिख रहा है, एम ही दिख रहा है, बी का इमेज बी ही दिख रहा है, यू का इमेज यू ही दिख रहा है, उल्टा तो दिख नहीं रहा। तो इससे एक डेमोस्ट्रेशन से एक मैटर क्लियर होता है कि जो लेटरल इन्वर्सन हम लोग को बताया गया है कि लेटरल इन्वर्सन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, नहीं ये गलत है, लेटरल इन्वर्सन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, ये लिख देते हैं यहाँ ताकि आप लोग को ज्यादा बल मिले डिस्कस करने में, कि लेटरल इन्वर्सन इन्वर्सन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, प्रॉपर्टी ऑफ मिरर तो किसका भैया, अरे तो किसी मिरर को या किसी व्यक्ति से भी अगर आप ऐसे करके आमने सामने खड़ा होइएगा, तो मेरा लेफ्ट, अगर मेरा इस साइड में राइट हैंड है तो उसका राइट किधर होगा, आप खुद सोच, ऐसे हम मुड़ जाए तो मेरा राइट किधर होगा, इधर होगा। तो जब आप जो मिरर और ऑब्जेक्ट के जो पोस्चर है, जो एक दूसरे के अपोजिट फेस है, आपका मिरर सामने रहता है, हम इसे कहा मिरर का फेस इधर है, हमारा फेस इधर है, तो ऑब्वियसली कि जो इमेज उसमें बनेगा, जो छाप बनेगा, वो क्या होगा, मेरे अपोजिट होगा उसका, ये तो कॉमन सेंस है। तो ये जो हम अभी बताए कि जब हम लोग मिरर को हम जब ऐसे देख रहे हैं तो लेटरल इन्वर्सन हो रहा है, जब इस केस में हम ऐसे देख रहे हैं तो क्या रख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और मिरर जो है अपोजिटली है, मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे अब दिख रहा होगा आई होप, है ना, हाँ। तो ये मिरर और जो ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है, जब मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट होगा तो अपोजिट दिखेगा। अगर सेम फेस में रहेंगे, अगर हम ऐसे सेम ऐसे देखने का कोई व्यवस्था कर दे, जैसे हम पन्नी में किए थे, ये अगर हम देखने का इस तरह से व्यवस्था कर दिए, तो जो अब इमेज बन रहा है इसमें, अब जो ये इमेज बन रहा है वह इमेज कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, क्योंकि अब दोनों का फेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो लेटरल इन्वर्सन मिरर का प्रॉपर्टी नहीं है, पहले एक बार समझ लीजिए आप लोग, मिरर का प्रॉपर्टी कभी नहीं है, ये हमारा जो पोस्चर खड़ा होने का है उसका प्रॉपर्टी है, ना कि मिरर का प्रॉपर्टी। तो लेटरल इन्वर्सन में कंफ्यूजन रहता है। दूसरी बात, अगर किसी प्लेन मिरर में इमेज बनाते हैं आप, जैसे हम ये आपका मिरर ले लिए, और जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो शाइनी सरफेस, ये भी बहुत बड़ा गलती होता है, बहुत लोग ऑब्जेक्ट इधर रख देते, नहीं, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ शाइनी सरफेस, इन फ्रंट ऑफ शाइनी सरफेस,
इसी को इन फ्रंट ऑफ मिरर भी कहते हैं, साइनी सरफेस को इन मिरर कहते हैं, साइनी सरफेस इधर उधर मिरर कहेंगे। तो ये साइनी सरफेस के तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें, तो जब ऑब्जेक्ट को रखिएगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। जैसे एक तो पहले बताया कि जब कोई सरफेस पे आप लेते हैं तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। एक केस और है कि जब आप किसी सरफेस पे कोई मिरर पे अगर इंसिडेंट करवाते हैं परपेंडिकुलर, तो उसी पाथ पे वो लौट जाता है, और इस केस में एंगल आई और एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब कोई लाइट है परपेंडिकुलर इस पर इंसिडेंट करेगा, तो इसको लगेगा कि कहीं इधर से आ रहा है, ठीक। तो दो रे हमको कम से कम चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो एक रे हम यहां से ले लेंगे और ये इसको आप मैच करते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हुए इसको मिला दीजिए, और जो ये पॉइंट होगा ये इमेज बनेगा। ऐसा नहीं है कि दो ही रे आ रहा है, रे तो हर जगह से आएगा, मतलब एक हर पॉइंट से, इसमें जितना हम पेन बना रहे हैं ना, सब हर पॉइंट से दो रे आप लेके बना सकते हो, और जितना पॉइंट आप लीजिएगा, जितना पॉइंट लीजिएगा उतना ही ज्यादा इंटेंस आपका। तो ये कैमरा वगैरह का जो क्वालिटी होता है इसी पर डिपेंड करता है कि वो कितने रे को वो कैप्चर कर रहा है, कितने रे को वो अपने में, अगर कोई ज्यादा मेगापिक्सल का है तो इसका जो पॉइंट जो इमेज बनाएगा वो बहुत सारे पॉइंट का इमेज लेगा। जैसे हम अभी दो इमेज लिए, दो पॉइंट का ही लिए, तो उतना अच्छा नहीं इंटेंसिटी होगा, वो हर पॉइंट से लेगा, हर पॉइंट से ये बनेगा, ऐसे लेगा, ये लेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ये अगेन यहाँ से ये फॉल करेगा, इंसिडेंट करेगा, ये मर्ज करेगा, ये यहाँ से आएगा, तो हर जगह से पॉइंट से आएगा और वो एक इमेज बनाएगा। जितना ज्यादा पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा इंटेंस उसका इमेज बनेगा, उतना ही अच्छा क्लियर इमेज बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग ज्योमेट्री मेथड से मात्र दो रे चाहिए, लेकिन ऐसे जनरल लाइफ में बहुत सारा रे रिफ्लेक्ट करके रेटिना पे आता है तब इमेज बनता है। ह्यूमन आई 576 मेगापिक्सल का होता है, तो इसलिए हम लोग आई स्फेरिकल मिरर मेन आप लोग को ज्यादा इसी पे फोकस करना है, स्फेरिकल मिरर, ठीक। स्फेरिकल मिरर क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर। हम ग्लास स्फेयर ही दिए हैं, आप लोग ट्रांसपेरेंट स्फेयर भी कह सकते हो, विच इज वन साइड इज पॉलिश्ड बाई सिल्वर। चूंकि मिरर पढ़ रहे हैं इसलिए मिरर का पूरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन जरूरी नहीं कि वो मिरर का ही, कोई भी साइन स्मूथ सरफेस होगा मिरर कहलाएगा, इसमें चिंता नहीं है। जनरल केस है जो मिरर ग्लास से बना होता है, इसलिए ग्लास को ले रहे हैं। सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय पेंट, पेंट का कलर कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो बताए, कोई भी स्फेयर आप लीजिएगा उसमें कट कर दीजिएगा, तो जो मिरर बनेगा उसी को जो सेंटर होगा, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, सी कह देते हैं, तो जो सेंटर होगा वो तो आप सी कहेंगे। अभी बताए थे कि अगर इसका बाहर की ओर आप इस तरह से पॉलिश कर देते हैं तो अंदर क्या होगा, साइनी सरफेस होगा, और इस मिरर को हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। और जो एरिया, मतलब जो मिरर का जो एरिया होगा, अगर हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं तो इसका जो एरिया या परचर कहलाएगा, लेकिन एक्चुअल में परचर कहते हैं कि फंक्शनल एरिया इज कॉल्ड परचर। फंक्शनल एरिया का मतलब जितना लाइट उस पर आके इंसिडेंट करे इतना एरिया में, तो ये एक्चुअल में ऐसे है लेकिन दिखता है केवल ये किनारा, इसलिए इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है। 2D बनाएंगे हम लोग, कभी 3D तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन ये तो 3D है, तो ये 3D है, मतलब ये एरिया है, ये एरिया ही है, दिख रहा है कर्व लाइन, लेकिन एक्चुअल में ये एरिया है, क्योंकि हम लोग 3D नहीं बना सकते हैं, 2D बना रहे हैं। तो ये फंक्शनल एरिया को हम लोग अपर्चर कहते हैं, जैसे इसको आप MN कह दीजिए, M से लेकर के N तक, और ये जो है मिड पॉइंट को पोल कहेंगे, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड पोल, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से मिलाने वाली लाइन को, है ना, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस।
दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग सारा डिफिनेशन अपने से लिख लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम व्हिच अ स्फीयर इज कट, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, अपर्चर इज द फंक्शनल एरिया ऑफ मिरर। एंड द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट है वो है फोकस, प्रिंसिपल फोकस करते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई लाइट इंफिनिटी से पैरेलल बीम ऑफ लाइट, नैरो बोलते हैं, नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर, इंसिडेंट ऑन ए मिरर इट कन्वर्ज एट ए पॉइंट, इट कन्वर्ज एट ए पॉइंट इज नोन एज फोकस। क्या कहेंगे इसको, फोकस। फोकस इज ए पॉइंट, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ नैरो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस, कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। कन्वर्जेस भी कहते हैं या और appears to diverge भी कहते हैं, appears to diverge, appears to diverge in the case of convex mirror। तो चाहे वहां से डाइवर्ज करता हुआ दिखे या कन्वर्ज करता हुआ दिखे उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। एंड पोल से जो डिस्टेंस होता है इसका, ये जो होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल टू, फ्रॉम अ पोल टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। ये सब आप लोग 10 में पढ़ लिए हैं, इसे जल्दी से खत्म कर दिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। टॉपिक रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ क्या है, फोकल लेंथ, एंड आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक कनकेव मिरर हम बना रहे हैं, एक उसका 2D डायग्राम जो डिस्कस किए हम लोग। इसमें क्या कीजिए कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो वो कहां से मीट करेगा, फोकस से मीट करेगा। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्यों कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट से जो रे खींच रहे हैं सी एंड पी, एक्चुअल में ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है, एक क्वेश्चन बहुत जनरल कॉमन क्वेश्चन है। तो ये टेंजेंट पे अगर कोई रेडियस आप लिख, कोई सेंटर लीजिएगा और ये रेडियस लीजिएगा, रेडियस और सेंटर के बीच में कितना डिग्री होता है एंगल, 90 डिग्री एंगल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 90 है तो ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल से ही एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, नॉर्मल से ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो अगर ये आई है, आर है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको एक मान लेते हैं कि कोई ये कंस्ट्रक्शन ले लिए कि अगर यहाँ पी है तो कंस्ट्रक्शन कर लिए कि ये एम। ठीक है, तो अगर इसको आप मान लीजिए कि ये थीटा है, तो आप क्या लिखिएगा कि टैन थीटा इक्वल टू पी एम बाई एफ एम, ये चाहे एम एफ कर दीजिए, टैन थीटा इक्वल टू एम एफ, और एम जो है ये परपेंडिकुलर है और ये पोल है। तो हम बाद में ये कहेंगे कि हम लोग मिरर को लेते हैं थीन, थीन मिरर लिए, मतलब इसलिए थीन लिए हैं कि द डिस्टेंस पोल एंड एम, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एम इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, हेंस हेंस मींस पी एफ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एम एफ, ये दोनों बराबर है, एक मान के चलते हैं। यही तो आपका ज्योमेटिकल ऑप्टिक्स में कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि आप कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। ठीक है, तो पी एम बाई क्या लेंगे, पी एम, अच्छा दो जगह पी एम आ गया है, कोई बात नहीं, इसको एल एम कर लीजिए। ठीक है, एल एम, तो हम यहां लिख देते हैं एल एम, एल एम बाई, ठीक है, एल एम। ठीक है, ये टाइम थीटा। अब देखिए अगर ये थीटा है, सपोज दैट
तो अब ये थीटा कितना के बराबर होगा, ये एंगल ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर ट्राइंगल लेते हैं कि थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एल सी एफ, थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसका, तो एल सी एफ का ट्राइंगल, थीटा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एल सी एफ ये है। इसका मतलब इस एंगल और इस एंगल का क्या होगा, सम होगा। इसका मतलब क्या लिख रहे हैं हम समझिए पहले बात को, कि अगर ये आई है इसका मतलब ये भी आई होगा, ये आई होगा, मतलब थीटा इक्वल टू आई प्लस आर, या इसको हम बोल सकते हैं टू आई, या इसको बोल सकते हैं टू आर, चूंकि दोनों तो बराबर है, तो थीटा को आप टू आई भी लिख सकते हैं या टू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू थीटा बाई टू भी कह सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं थीटा बाई टू भी लिख सकते हैं। चलो तो अब आते हैं कि टैन आई को आप लिखिएगा, टैन आई जैसे ये ट्राइंगल का भी नाम ले सकते थे कि इन ट्राइंगल किसमें लिए थे एल एम एफ ये लिए थे, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इन ट्राइंगल एल एम सी, एल एम सी कर दीजिए, ठीक है, इन ट्राइंगल एल एम सी। तो टैन आई लिख रहे हैं आप, टैन आई इक्वल टू हो जाएगा एल एम बाई, कितना हो जाएगा एल एम बाई एम सी, और अभी बताएं एम सी लिखिए या पी सी लिखिए बात तो वही है। तो टैन आई की जगह पे हम लोग टैन थीटा वाई टू भी लिख सकते हैं और इक्वल टू एल एम बाई पी सी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर टू हुआ और ये इक्वेशन नंबर वन हुआ, ठीक है। सिंस अपर्चर ऑफ, सिंस अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ये कंसिडरेशन है, देन tan थीटा by 2 और tan थीटा by 2 नियर अबाउट 2 थीटा by 2 एंड tan थीटा इज इक्वल नियर अबाउट 2 थीटा, ओके। द इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट, थीटा इक्वल टू एल एम बाई पी एफ एंड इक्वेशन 2 बिकम्स थीटा बाई 2 इक्वल टू एल एम बाई पी सी, ठीक है। यानी कि अगर हम पुट कर दे वैल्यू इसका, थीटा का वैल्यू हम पुट कर दे तो फ्रॉम ए बी कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, ये थीटा का वैल्यू यहां हम पुट कर दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बस इस तरह से, और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, इसको अभी रहने दीजिए, और थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टू एल एम बाई पी सी, ठीक है। तो अब इसको बी मान लीजिए आप, इसको बी मान लीजिए, इसको मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। तो अब यहां लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या हो जाएगा, तो आपका एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा, एल एम बाई पी एफ इज इक्वल टू एल एम बाई टू एल एम बाई पी सी, ये सी कैंसिल हो गया, ठीक। तो बच गया क्या कि पी सी इक्वल टू टू पी एफ, और पी एफ क्या है, पी सी इक्वल टू टू पी एफ, पी एफ क्या है ये देखिए, ये पी एफ जो है यही तो स्मॉल है और पी सी क्या है ये कैपिटल आर है, ठीक। तो वही इक्वेशन जो निकला पी सी इक्वल टू टू पी एफ, तो PC क्या बोले R, PF क्या बोले 2F, तो आप ऐसे लिख सकते हैं R equal to 2F या F equal to R by 2, ठीक है। तो ये तो हम लोग निकाले किसको लेकर के, कॉनकेव कंसीडर करके निकाले, लेकिन आप लोग का होमवर्क होगा कि इसी फॉर्मूला को कॉन्वेक्स मिरर लेकर के अप्रूव कीजिए, दिस इज द मेरा होमवर्क, कि आप क्या कीजिए इसको कॉन्वेक्स कंसीडर कीजिए, सारा कंडीशन सेम रहेगा, केवल मिरर चेंज कर दीजिए, इसको डिराइव कर दीजिए। एक टॉपिक है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसमें बड़ा विवाद आता है कि साइन कन्वेंशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तब भी साइन कन्वेंशन लेते हैं और डेरिवेशन के समय भी साइन कन्वेंशन लेते हैं,
तो साइन कन्वेंशन इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि अगर कोई भी मिरर देखिएगा तो लगभग उसका 6 केस होता है, तो अलग अलग केस में अगर हम अलग अलग साइन कन्वेंशन लेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ही मिरर होगा और 6 तरह का, या कभी वर्चुअल इमेज बनेगा, कभी रियल बनेगा, कभी मैग्नीफाइड बनेगा, कभी डिमिश बनेगा, तो थोड़ा असमानताएं हो जाती है। उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हम लोग एक साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, और चूंकि आप 12 में हैं तो न्यूमेरिकल्स को बनाइए नहीं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये टॉपिक। सेकंड जो है कि ऑल डिस्टेंसेज आर टेकन टू बी पॉजिटिव, ऑल डिस्टेंसेज आर टेकन टू बी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा वह डिस्टेंस को पॉजिटिव लीजिएगा। हम एक कॉनकेव का एग्जांपल ले रहे हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स का भी एक एग्जांपल कर देते हैं, एक कॉन्वेक्स का भी कर देते हैं, ये कॉन्वेक्स हुआ ठीक। तो कॉनकेव है तो इसका मतलब ये जो इधर कर्व सरफेस होगा उधर में ही सेंटर पर, इसका भी सेंटर पर टेंशन इधर ही होगा ठीक है। इस केस में फोकस यहां होगा, इस केस में फोकस इधर होगा ठीक। अब कभी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिएगा तो इस केस में ऑब्जेक्ट इधर रखाएगा साइनी सरफेस की तरह, और इस केस में ऑब्जेक्ट को आप इधर रखिएगा, इधर साइनी सरफेस, ऑब्जेक्ट हमेशा साइनी सरफेस की तरह रखा है। तो अगर इंसिडेंट रे बोलिएगा तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जब भी इधर देखिएगा तो इसी डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आएगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये भी जो होगा ये रे इस तरह से आएगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आएगा। तो जब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है इस डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस होगा सब पॉजिटिव होगा, ऑल डिस्टेंसेज आर टेकन टू बी पॉजिटिव। एंड थर्ड में होगा कि ऑल डिस्टेंसेज आर taken to be negative in the opposite direction of incident ray। Fourth में है कि above height of object or image। अब एक बात है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो जिस वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जिसमें से लाइट इमिट करे या रिफ्लेक्ट करे वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या करे, ऑब्जेक्ट में से लाइट इमिट करे, जिसमें इमिट करेगा लुमिनस बॉडी, जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन वो लुमिनस नहीं होता है। लुमिनस के मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट हो, ग्लोइंग कैंडल या बर्निंग कैंडल जो भी कह लो, तो जो जिसमें से लाइट जो प्रोड्यूस कर रहा है, जब प्रोड्यूस करेगा तो उसको कहेंगे लुमिनस बॉडी है ना, और जिसमें से रिफ्लेक्ट करे उसको सीधे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मोस्टली तो रिफ्लेक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इमेज जो है किसी इंस्ट्रूमेंट के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर वह ऑब्जेक्ट दिखता है तो दैट इज कॉल्ड इमेज है ना। तो इमेज भी दो तरह का, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अगर दो या ज्यादा रे एक्चुअल मीटिंग के बाद इमेज बनता है, एक्चुअल मीटिंग के मतलब वो वर्चुअल नहीं, एक्चुअल मीटिंग मतलब जैसे ये रे है तो इस तरह से अगर हम कह दें कि पैरेलल रे आया ये फोकस होके गुजरेगा ठीक, एक रे ये हो गया। दूसरा अगर हम बोले कि एक और पॉइंट से ये गुजरेगा जब ये ऐसे करके गुजर गया तो ये एक्चुअल मीट हुआ है लाइट का, देखिए यहाँ एक्चुअल मीट हुआ, लेकिन जब इस पॉइंट पे देखिएगा तो ये वर्चुअल मीट हुआ कहीं ना कहीं, ये डॉट लाइन जो बना रहा है मिरर को पार करके तो लाइट आएगा नहीं, वो रिफ्लेक्टिंग करेगा, तो वैसे करते हैं वर्चुअल मीट। तो अगर वो वर्चुअल मीटिंग करता है या अपीयर्स टू डाइवर्ज करता है इस पॉइंट से तो उस केस को कहते हैं वर्चुअल इमेज, और जब एक्चुअल होता है तो रियल इमेज। रियल इमेज का और भी प्रॉपर्टी है कि रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ला सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। वैसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे
प्रोजेक्ट कर दें तो उसे कहते हैं रियल इमेज, और जिसको स्क्रीन पर हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी पॉजिटिव, टेकन टू बी क्या पॉजिटिव, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी निगेटिव। ये हो गया आपका। तो सबसे पहला बात कि कोई भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो ये पोल से करेंगे। अब इस केस में आते हैं, देखिए ये पोल से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से, है ना, स्ट्रेट, ताकि डिस्टेंस से वो, ये आपका एफ कहलाएगा फोकल लेंथ, ये आपका आर कहला लिया, और ये तो आपका वी बना, ये आपका यू हो जाएगा, इस केस में आपका वी हो जाएगा। अब गौर से देखिए, इंसिडेंट रे इधर है, एफ इसके अपोजिट, आर इसके अपोजिट, यू इसके अपोजिट, वी इसके अपोजिट, तो इस केस में यू हो, वी हो, एफ हो, आर हो, ये सब निगेटिव हो जाएगा। किस केस में? जब रियल इमेज बनता है तो। लेकिन एक ऐसा भी केस आएगा इसमें, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखिएगा, पोल एंड फोकस के बीच में रखिएगा, तो उस केस में अब इमेज बनेगा वर्चुअल, तब यहां पे भी क्या लीजिएगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा, यू वी एफ, नहीं वी को नहीं, यू एफ आर, ये सबको लीजिएगा निगेटिव, लेकिन वी को पॉजिटिव लीजिएगा, कब, जब आपका वर्चुअल इमेज का केस हो तो। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें आपका ये आपका एफ है, ये आपका आर है, ये आपका यू है। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सीधा इसमें आप लिखिएगा कि यू वी, यू तो निगेटिव होगा, वी एफ आर पॉजिटिव हो जाएगा, वी एफ आर ये सब पॉजिटिव होगा और यू क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए इंसिडेंट रे इधर है इस डायरेक्शन में, एफ आपका इधर, आर इधर, और इसी कहीं पॉइंट पे भी बनेगा, तो भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, तो वी एफ आर तीनों पॉजिटिव, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑफ डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो पॉजिटिव लीजिएगा, और यू अपोजिट में है इसलिए क्या लीजिएगा उसको, आप क्या कीजिएगा उसको, निगेटिव ले लीजिएगा। देखिए जनरली और भी लोग समझाते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके, एक्स माइनस एक्स वाई और माइनस वाई, ये भी आपका सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जब आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा तो ये रूल गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये यूजफुल नहीं है, इसलिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इस्तेमाल किया जाता है। न्यू नहीं है, ये भी बहुत पुराना है, लेकिन नाम ही है इसका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो आज तक ही नया ही है ना, जैसे आपका नहीं बाजार है, पता नहीं कब का है लेकिन आज तक नहीं बाजार है, तो ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू नाम पड़ गया तो नाम है, तो नया नहीं है, ये गलत हो जाएगा, कहां, जहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट वगैरह का केस आता है वहां ये मेथड गलत हो जाएगा, इसलिए फाइनल यही पढ़िए। और सेम प्रोसेस जो होगा, सेम लॉ होगा कन्वेक्स लेंस में भी या कनकेव लेंस में भी, लेंस के समय में भी यही लॉ लागू होगा जो हम बोर्ड पे लिखे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन बाकी रूल सेम रहेगा, इसलिए हो सकता है वहां हम नहीं पढ़ाए। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जनरली ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और इसमें कोई डिटेल से नहीं बताएंगे, केवल एक हिंट कर देते हैं, चार दो एटलीस्ट टू रेज आर नीडेड टू मेक एन इमेज, एक इमेज को बनाने के लिए दो रे की आवश्यकता है, और इसको हम कोई भी चार मेथड में से कोई दो मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि कोई भी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगा, अब लिख नहीं रहे लैंग्वेज में, आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड, इसका रिवर्स भी सही है, अगर इसका वाइस वर्सा भी कर दीजिएगा कि फोकस से वो गुजरता है तो पैरेलल हो जाएगा। कॉन्वेक्स में देखिएगा यार, कॉन्वेक्स में जब कोई पैरेलल रे इस तरह से इंसिडेंट करता है तो फोकस से डाइवर्ज करेगा इस तरह से, बस इतना ही अंतर है, पैरेलल से आ रहा है तो कहां से डाइवर्ज करेगा, फोकस से डाइवर्ज करेगा।
उल्टा भी जब ये इधर से आएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, फोकस की तरफ आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल, अगर ये कहेगा तो दो इसी में आ गया। सेकंड क्या होता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो ऐसे, तो उसी पाथ पे लौट जाएगा। रीजन, रीजन वही आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू जीरो डिग्री। चूंकि ये टेंजेंट पे 90 होता है, ये नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल पे अगर कोई रेड अगर इंसिडेंट करवाते हैं आप, तो उसी पाथ पे ये लौट जाता है। अभी थोड़ा पहले बताए थे, उसी पाथ पे ये लौट जाता है। तो ये भी एक तरह का नॉर्मल ही है, टेंजेंट पे है तो नॉर्मल ही है, तो उसी पाथ पे लौट जाएगा। ठीक है, तो कन्वेक्स में भी देखिएगा उसी तरह से कि अगर कोई रे जो है सेंटर, अगर ये इस तरह से रे आता हो कहां सेंटर कर्वेचर पे, तो जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ से क्या करेगा, लौट जाएगा। थर्ड मेथड है कि अगर कोई रे पोल पे आता है, ऐसे तो किसी पे आएगा तो पोल पे आता है, तो ये जितना एंगल से इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा। एक रूल भी है कि जितना एंगल से वो इंसिडेंट कर रहा है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कॉन्वेक्स में भी वही प्रिंसिपल का इस्तेमाल कीजिए। अगर मान लेते हैं ये पोल है, ये इंसिडेंट करेगा इसी एंगल को फॉलो करके, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो दो ये हो गया, तीन हो गया और वो चार हो गया। तो चार रूल को में से कोई दो इस्तेमाल कीजिए। जनरली आपका ये इस्तेमाल होता है, पैरेलल और ये। ठीक है, जब ये दोनों का ऑप्शन नहीं रहे तब ये हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क क्या रहा, नेक्स्ट होमवर्क रहा आपका कि जो छह केस कंकेव का है और एक या दो केस आपका कॉन्वेक्स का है, तो दो ये दोनों जो है कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा टोटल, क्योंकि 10 में पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा रहे। अब आते हैं मिलर फॉर्मूला, या इसको करना है टू प्रूव 1 by u + 1 by v = 1 by f, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कहिएगा कंसीडर ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर थोड़ा आसान है देखने वगैरह में, फिजिक्स का बुक में वही दिया रहता है, ज़्यादा जो अच्छा हो, कंफ्यूजन कम हो। आप लोग हमेशा स्केल इस्तेमाल कीजिएगा, है ना, रे में एरो जरूर दीजिएगा, ये सब सावधानी बरतिएगा। ये जो है आप क्या कर सकते हैं कि एक कंपास लीजिएगा और कंपास से ये एक रेडियस को मान करके एक आर्क बनाइएगा। जो रेडियस होगा, जो सेंटर रेडियस का जो पॉइंट होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहिएगा, और ये अपर्चर हो जाएगा, जो आर्क बनेगा वो अपर्चर हो जाएगा। अगर इस तरह उसके आधा में एफ लिख दीजिएगा, किसके हाफ में, रेडियस के हाफ में एफ लिखिएगा, तब आपको इमेज का चिंता नहीं करना है, वो अपने आप बन जाएगा, उसको याद नहीं करना है, वो अपने आप बन जाएगा। अभी हम जो ले रहे हैं एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ये इस तरह से इंसिडेंट करेगा, जहां से क्रॉस करेगा उसी को आप फोकस कर दीजिएगा, है ना, उसी को आप क्या कर दीजिएगा, फोकस कर दीजिएगा इस तरह से। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या रूल है कि जिस डायरेक्शन जाएगा उसी से बेंड करेगा। ये जो बना, ये अगर ए है बी है तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। ठीक, और ये जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा ये पॉइंट से, तो ये आपका एफ है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख रहे हैं ये आपका आर है, ये आपका यू है, और ये जो आपका यहां से है ये आपका बी। ठीक, मतलब अगर हम इस तरह से देखें कि पी एफ इक्वल टू एफ है ना, पी एफ को कह सकते हो अगर हम कंस्ट्रक्शन कर दे एल और एम का, तो एल एम अगर हम बोल दें कि एम एफ जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी एफ, और उसको एफ कहेंगे, इंसिडेंट इधर है तो इसको आप माइनस एफ भी लिख सकते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बोल दें कि एम ए डैश को या इसको अप्रोक्सीमेट पी ए डैश लिखिएगा, तो इसको आप माइनस भी लिखिएगा। अगर आप एम सी लिखते हो या अप्रोक्सीमेट पी सी लिखते हो तो ये माइनस आर कहलाएगा। ठीक, उसी तरह से एम ए कहिए या अप्रोक्सीमेट पी ए कह लीजिएगा, चूंकि आप पर्चर छोटा ले रहे हैं तो इसको आप माइनस यू कह दीजिएगा। माइनस यू सब तो डिस्टेंस इसी साइड में है, सारा डिस्टेंस इस साइड में, सब कुछ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक,
तो ये आपका साइन कन्वेंशन से पहले ही लिख दिए, ठीक। अब इसमें क्या कीजिए, दो ट्रायंगल आप ले लीजिएगा, एक ट्रायंगल लीजिए ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल लीजिए ए डैश बी डैश सी। ट्रायंगल ए बी सी इन या ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। सिमिलर मतलब इस तरह का सी बोल देते हैं। कैसे सिमिलर हुआ, देखिए ये एंगल जो है आपका 90 बन रहा है, ये एंगल भी आपका 90। दूसरा एक वर्टिकली अपोजिट एंगल आप देख रहे होंगे, इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल देख रहे होंगे ऐसे, ठीक। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जब देखिएगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये आपका एंगल सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर में क्या होता है कि साइड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ए डैश ए बी के जगह पर लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बाई इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी। अब देखिए ए बी ए और बी और ए डैश बी डैश ये तो अपने जगह पर जो है सो है, लेकिन ए डैश ए सी और ए डैश सी कोई डिस्टेंस नहीं है, इसमें से कहीं लिस्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी। उसी तरह से हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश, इक्वेशन नंबर वन, ठीक। अगेन ट्राइंगल ट्राइंगल एल एम एफ, ट्राइंगल एल एम एफ एंड सिमिलर है, ट्राइंगल एल एम एफ सिमिलर है ए डैश बी डैश एफ का, ठीक। तो अब क्या करेंगे, एल एम एल एम लिख दिए, सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन होगा, एल एम बाई ए डैश बी डैश, एल एम बाई ए डैश बी डैश बाई एम एफ बाई एम एफ बाई ए डैश एफ, ए डैश एम एफ को हम अप्रोक्सीमेट पी एफ लिखेंगे क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, पी एफ लिख देते हैं एम एफ की जगह पर पी एफ, और ए डैश एफ कोई डिस्टेंस नहीं है तो पी ए डैश माइनस पी ए डैश माइनस पी एफ। और एक और बात कि ए बी या एल एम ए बी इज ए रेक्टेंगल, हेंस हेंस एल एम इज इक्वल टू ए बी, तो एल एम को आप ए बी लिख सकते हो, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई पी एफ बाई पी ए डैश माइनस पी एफ, इक्वेशन नंबर टू। अब आप समझ रहे होंगे ये एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस जरूर इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बी गेट क्या हमको मिलेगा, तो एल एच एस इक्वल है तो पी ए माइनस पी सी बाई पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई पी ए डैश माइनस पी एफ। तो वो क्या जाएगा इसे, तो पी ए क्या है, पी से ए तक माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिख दीजिए, पी सी को क्या लिखे हैं माइनस आर तो माइनस आर कर दीजिए, और यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से भी है तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो यहाँ माइनस आर लिख दीजिए बाई पी सी को माइनस आर लिख रहे हैं, और पी ए डैश क्या है माइनस बी तो माइनस बी लिख दीजिए, पी एफ क्या है तो माइनस एफ, पी ए डैश तो माइनस बी, अगेन ये हो जाएगा माइनस एफ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका आ गया माइनस यू प्लस टू एफ, चूंकि ये माइनस आर आर का वैल्यू टू एफ होता है तो टू एफ लिख दिए बाई, ये भी आपका टू एफ है तो माइनस टू एफ लिख दिए, और प्लस क्या लिख दिए बी,
इज इक्वल टू एफ बाई भी माइनस बी प्लस एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, यू भी इसको मल्टीप्लाई कर दिए प्लस टू एफ टू माइनस टू भी एफ, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस यू भी, और ये माइनस हो जाएगा टू भी एफ, ये काम खत्म, ये हो जाएगा माइनस यू एफ, ठीक, तब बचेगा टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू एफ स्क्वायर और माइनस बी एफ, उसके बाद हो जाएगा आपका बस इतना ही, ठीक। तो ये टू एफ स्क्वायर है, ये से ये कैंसिल हो गया और बी एफ जो है इधर आ जाएगा प्लस में, तो यू भी माइनस टू बी एफ प्लस बी एफ माइनस यू एफ इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा यू भी और माइनस बी एफ और माइनस यू एफ इक्वल टू जीरो। अब यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू भी एफ, तो यू भी बाई यू भी एफ माइनस बी एफ बाई यू भी एफ माइनस यू एफ बाई यू भी एफ इक्वल टू जीरो। यू भी से कैंसिल और ये हो जाएगा बी एफ से कैंसिल और ये हो जाएगा यू एफ से कैंसिल, तो बच गया वन बाई एफ माइनस वन बाई यू माइनस वन बाई बी इक्वल टू जीरो, यानी कि 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो ये तो निकला कॉनकेव मिरर से, तो आप लोग का होमवर्क है कि कॉन्वेक्स में आप लोग यही फॉर्मूला को डिराइव कीजिए, ये होमवर्क है, जो हम प्रोसेस किए हैं कॉनकेव के लिए वही प्रोसेस आप कीजिए कॉन्वेक्स के लिए, और इसको आप कंप्लीटली बना करके आप हमको दिखाइए, या कमेंट कीजिएगा कि हम सॉल्व किए कि नहीं सॉल्व किए या क्या डिफिकल्टीज हुई। तो फॉर्मूला भी लाए हम लोग 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी। देखिए न्यूमेरिकल्स वाले समय ध्यान दीजिएगा कि अगर एफ का कोई फॉर्मूला आ गया तो यू भी बाई यू प्लस बी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिए, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी लिखते हैं, तो 1 by u equal to क्या हो जाएगा 1 by f minus 1 by v। तो अब आप इसको vf lcm ले लोगे तो f cancel तो v minus f, तो u equal to formula हो गया vf by v minus f। तीसरा formula हो जाएगा आपका कि 1 by u equal to लिखिएगा 1 by f minus 1 by v, अच्छा ये निकाल चुके हैं तो हम लोग u का निकाल चुके हैं तो v कर लीजिए, तो 1 by u minus 1 by f सेम प्रोसेस है ना, नहीं 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, तो भी इक्वल टू जो हो जाएगा आपका यू एफ बाई यू माइनस एफ। देखिए क्लियर बात है कि एफ बाद में रहेगा, इसमें भी एफ बाद में है, भी माइनस एफ है, ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, यू एफ यू एफ होगा भी एफ होगा, तीन टर्म आना ही आना है, तो देख लीजिएगा इसमें तो कुछ झंड नहीं है, सब प्लस में होगा माइनस में एफ होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा तो विथ साइन कन्वेंशन, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन में हम साइन कन्वेंशन ले लिए हैं तो इस्तेमाल करते समय साइन कन्वेंशन नहीं होगा, वो साइन कन्वेंशन आपको न्यूमेरिकल के समय में भी लेना होगा। एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली लीनियर मैग्निफिकेशन को लिखते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, या माइनस वी बाई यू भी लिखते हैं इसको, माइनस वी बाई यू या ये भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप इससे भी आप उसको निकाल सकते हो कि माइनस बी बाई यू, जैसे अभी हम लोग कॉनकेव मिरर में लिए थे इस तरह के, और
एक ऑब्जेक्ट लिए थे, ये एफ है ये सी है, तो ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और इससे होते हुए लौट करके जो आ रहा था रे, यहाँ इमेज बन रहा था। तो आप देखे होंगे कि ए बी हम लिए थे इसको और ये ए डैश बी डैश लिए थे। तो ए डैश बी डैश जब ले रहे हैं आप, इसका मतलब है कि हम लोग बोलेंगे कि ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये तो पी है ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि अगर ये है ये सी है तो हम लोग लिखे थे क्या लिखे थे, ए डैश सी मान ली जाए, ए डैश सी बाई क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे, ए डैश सी बाई क्या लिखेंगे, एसी। तो ए डैश सी हमारा क्या है, ए डैश सी को हम बोले कि आप लोग लिख दीजिए कि पी सी माइनस पी ए डैश, और इसको आप लोग को बोल दिए थे कि पी ए। एक और तरीका है इसको समझाने का मैग्निफिकेशन को, कि आप कोई इस तरह का मिरर ले लो ठीक, और ऑब्जेक्ट यहाँ ले लीजिए, ये पोल है, तो एक लाइट तो इंसिडेंट करेगा तो फोकस से आएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये ध्यान दीजिए ये रे है। दूसरा इमेज दूसरा रे को पोल पे ले जाइए और इसको ऐसे कर दीजिए, इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जहां पे कट कर रहा है ये इमेज हो जाएगा ठीक। अब आते हैं इस पे, ये जो है ये तो आपका फोकस हो गया ठीक, ये हो गया ए ऑब्जेक्ट ए बी, ए डैश क्या हो जाएगा बी डैश। अब आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल आई है आ रहे दोनों इक्वल होगा, ये 90 है ये भी 90 होगा, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल ए ए ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर है किसका, ए डैश बी डैश पी का, ए डैश बी डैश पी का। तो अगर आप लिखते हो कि ए डैश बी डैश बाई ए बी लिखते हैं आप, ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो ए डैश बी डैश मतलब पी ए डैश हो सकता है यहाँ पी ए डैश और बाई पी ए हो सकता है। तो ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, यही तो है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज लिख दिए ए डैश बी डैश। और ये क्या है ए बी क्या है, हाइट ऑफ इमेज को एच आई लिखिए इसको, और इसको आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखिएगा ठीक। अब इस केस में पी ए डैश ले रहे हैं तो पी ए डैश क्या है, तो ये तो आपका भी हो गया, देखिए ये भी है और पी ए क्या है यू है। अब एक बात ध्यान दे, दोनों अपोजिट में है, दोनों माइनस में आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन है कि फिर ये माइनस साइन कहाँ आया, कहाँ से आया, तो देखिए ये इन्वर्टेड है, तो एक्चुअल में ये माइनस साइन है, जो हाइट ऑफ इमेज है ये माइनस है, तब आप लिखते हैं कि एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू, और इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन भी होता है, मतलब एरिया को लेके चलते हैं उसका, है ना, लैटरल जो एरिया, अगर किसी मोबाइल का एरिया देखिएगा या कोई रेक्टेंगुलर शेप का एरिया देखिएगा तो इमेज बनता है वो इससे भी बनता है। तो आप लोग का होमवर्क ये भी हो गया कि आप लोग इसको पूरा बढ़िया से क्लियर बना लीजिएगा, और मिरर का यूज आपको पता है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं लुकिंग ग्लास में, साइड मिरर में क्यों करते हैं, क्योंकि वाइडर एरिया कवर करता है। जैसे कोई मिरर आप ले लोगे, अगर यहाँ गया मिरर, ये मिरर है देखिए, ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि ये अपर सरफेस जो है शाइनी है, तो इसमें छोटा इमेज बनता है, ज्यादा एरिया कवर करेगा, और इसमें इमेज का कभी मैग्निफाइड बनेगा कभी डिमिनिश्ड बनेगा। तो कन्वेक्स मिरर जो है आपका इस्तेमाल होता है इस पोर्स कहाँ पे, लुकिंग ग्लास के समय, कॉनकेव का इस्तेमाल होता है, जैसे आप हेडलाइट में इस्तेमाल करते हो, गाड़ी के कोई भी हेडलाइट है उसमें इस्तेमाल करते हैं, सोलर फर्नेस होता है जहां कन्वर्ज किया जाता है एनर्जी को, सन एनर्जी को लिया कन्वर्ज किया, बड़ा बड़ा टेलीस्कोप में भी क्या करते हैं कि वो एनर्जी को सन रे को कलेक्ट करके किसी एक जगह पे फोकस करता है, तो उस समय में आपका कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। डेंटिस्ट जो है अपने हेड पे एक चाहे एक तरह का टॉर्च जैसा लगाता है, एक्चुअल में वो लाइट को क्या करता है, या जो उसका इमेज बनता है पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इमेज बनता है और मैग्निफाइड इमेज बनता है,
जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा, पोल और फोकस के बीच में, तो वो दांत के अंदर में कुछ इस तरह के डालता है देखने के लिए, मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए कहाँ पे दांत डैमेज है उसको निकालने के लिए। तो इन सारे चीज को कन्वेक्स कहाँ इस्तेमाल होता है, कॉन्केव कहाँ इस्तेमाल होता है, प्लेन मिरर कहाँ इस्तेमाल होता है, और एक सेविंग के समय में भी कॉन्केव का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा तो सेविंग, लेकिन जनरली तो सेविंग करने के लिए प्लेन मिरर इस्तेमाल होता है, लेकिन जो है वो कंसेप्ट है कि मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए हम लोग किस का इस्तेमाल करते हैं, वो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा रिफ्लेक्शन, बहुत सारा कंसेप्ट डील किए, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया। ओके, थैंक यू।